हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना अर्थात वायुमंडल की जो बनावट है वो कैसी है, इसको जानने का समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं वायुमंडल का क्या अर्थ है, वायुमंडल से क्या तात्पर्य है। जब वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल वायु की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ सटी हुई है, उसके साथ चिपकी हुई है। अब वायुमंडल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें सम्मिलित हैं जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, मीथेन, ऑर्गन, नियोन, ये गैसें मुख्य रूप से इसमें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जलवाष्प, धूलकण, नमक के कण, पराग कण, ज्वालामुखी की राख तथा अन्य प्रदूषक तत्व भी इसमें शामिल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो वायु है, वायु की निचली जो परतें हैं उनका घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि जो ऊपरी परत हैं उनका वजन के कारण, उनके भार के कारण वायु की जो निचली परतें हैं उनका घनत्व अधिक हो जाता है। और इसी तरह से जब हम धरातल से अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं तो जो वायु की जो परतें हैं उनका घनत्व, उनमें वायु का जो घनत्व है वो तेजी के साथ कमी उसमें आती जाती है। और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर ये वायुमंडल बहुत अधिक विरल हो जाता है, बहुत अधिक छितरा हो जाता है और वायु का घनत्व बहुत नगण्य हो जाता है और धीरे धीरे वो अंतरिक्ष में विलय उसका हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वायुमंडल के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो वायुमंडल के जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, गतिशील, नमनशील और संपिंड है। अर्थात वायु में कोई रंग नहीं है, वायुमंडल में उसमें कोई स्वाद नहीं है, उसकी कोई गंध नहीं है, उसमें कोई खुशबू या बदबू नहीं आती। गतिशील है, इसको संपिंड किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, ये इसके सामान्य गुण हैं। धरातल के समीप वायु दाब के कारण घनत्व अधिक और ऊंचाई के साथ इसमें कमी आती जाती है वायु के घनत्व में। समुद्र तल पर औसत वायु दाब 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पाया जाता है और 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर यह वायु दाब घटकर मात्र 0.35 मिलीबार रह जाता है। और सभी जो मौसमी घटनाएं हैं वो वायुमंडल में ही घटित होती हैं। वायुमंडल के कारण ही वर्षा होना, ओले, आंधी, तूफान, ये सारी मौसमी जो घटनाएं हैं वो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाती हैं। वायुमंडल का सामान्य महत्व, वायुमंडल का क्या महत्व है हमारे लिए, ये जानना बहुत अति आवश्यक है। तो पृथ्वी पर जो जीवन है उसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत अत्यधिक आवश्यकता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो वायुमंडल हमें ये गैसें उपलब्ध कराता है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। दूसरा है, पृथ्वी का ताप परिसर नियंत्रित रखता है, अर्थात वायुमंडल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का जो तापमान है उसकी रेंज है वो सीमित होती है। अगर पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का आवरण नहीं होगा तो दिन के समय पृथ्वी का तो तापमान है बहुत अधिक हो जाएगा और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो उस तापमान की रेंज में ये रेंज बहुत अधिक बढ़ जाएगी जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान जो जीवन है वो संभव नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त वायुमंडल की जो प्रतिरोधी क्षमता है उसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल से जब आकाशीय पिंड गुजरते हैं तो वो उसके घर्षण बल के कारण जलकर समाप्त हो जाते हैं। कई ऐसे प्रतिरोधी जो आकाशीय पिंड हैं वो नष्ट हो जाते हैं जिससे पृथ्वी की रक्षा होती है। अगर ये वायुमंडल नहीं होगा तो वो आकाशीय पिंड सीधे आकर पृथ्वी से टकराएंगे और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्षति या हानि पहुँचेगी। सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को रोकता है। वायुमंडल की जो ओजोन परत है उसमें ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण जो हानिकारक परावैगनी किरणें सूर्य से पृथ्वी तक आती हैं उनको रोकने में ओजोन परत का बहुत अधिक महत्व है। अगर ओजोन परत की उपस्थिति ना हो, अर्थात वायुमंडल में ओजोन की गैस की उपस्थिति ना हो, तो
पराबैंगनी किरणें धरातल पर आकर त्वचा रोग व अन्य भयंकर बीमारियां उत्पन्न करेंगी, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा या उसमें बाधा उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प की मौजूदगी होती है, जिसके कारण बादल बनते हैं, तूफान आते हैं, वर्षा होती है और अन्य सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जिससे जीवन के विविध रूप और रंग हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। तो वायुमंडल के ये कुछ सामान्य से महत्व हैं जो ये दर्शाते हैं कि वायुमंडल हमारे लिए अति ही बहुत ही आवश्यक है। वायुमंडल की संरचना, तो आइए बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में, इसकी बनावट कैसी है। तापमान के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली जो परत है वो है शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है ओजोन मंडल ओजोनोस्फेयर, नंबर 4 आयन मंडल या आयनोस्फेयर, या बहिर्मंडल एग्जोस्फेयर। ये जो हमारे परतें हैं इनका नामकरण प्राचीन जो परिकल्पना है उसके आधार पर है, जबकि नई परिकल्पना है उसके आधार पर हम देखें तो वायुमंडल को 2 बड़े भागों में बांटा जाता है स्थूल वर्गों में। पहला है सम मंडल या होमोस्फेयर, दूसरा है विषम मंडल या हेट्रोस्फेयर। तो इन पर हम विस्तार से आगे चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल की जब संरचना की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो है कुछ वायुमंडल की परतें हैं जिनके गुण और भौतिक विशेषताएं भिन्न भिन्न हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप देखेंगे कि सबसे नीचे यहाँ ग्राउंड है धरातल, धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहली परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके बाद ये जो ऊंचाइयाँ दी गई हैं ये औसत ऊंचाई है, धरातल से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल पाया जाता है जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, 30 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोनोस्फीयर पाया जाता है जिसे हम मेसोस्फीयर भी कहते हैं, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल पाया जाता है जहाँ पे सूर्य की तेज किरणों के कारण विभिन्न गैसों का आयनीकरण होता है और जिससे अलग अलग परतें कई विभिन्न उप परतें जनरेट होती हैं और अपना काम करती हैं। उसके बाद 400 किलोमीटर से ऊपर हम एग्जोस्फेयर मानते हैं और अंतरिक्ष इतना विलीन हो जाता है जो अंत में अंतरिक्ष में धीरे धीरे घुल जाता है, घुल मिल जाता है। तो इस डायग्राम को अगर समझें तो इसमें हम देखते हैं कि जो शोभ मंडल है इसमें तापमान जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के थ्रू हमने टेम्परेचर की गिरावट को दिखाया है। तापमान शोभ मंडल में कमी आती है, फिर समताप मंडल में के निचले भाग में तापमान में न तो कमी आती है ऊंचाई बढ़ने के साथ, ना ही उसमें कोई गिरावट आती है। फिर समताप मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है। ओजोन मंडल में भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु का तापमान बढ़ता जाता है। फिर आयनोस्फीयर के निचले भाग में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ 80 से 90 किलोमीटर के बीच में होता है। उसके बाद ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ फिर से तापमान बढ़ता ही जाता है। तो चलिए जानते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों की सामान्य विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शोभ मंडल से, जो कि धरातल के समीप सबसे निचली परत है और इस परत का वायु का घनत्व सबसे अधिक है। औसत ऊंचाई की बात करें तो शोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है, धरातल से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक औसतन शोभ मंडल का विस्तार है। ध्रुवों पर इसकी जो मोटाई है वो 8 से 10 किलोमीटर है, जबकि भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ पर वायु का तापमान जो है
अधिक होने के कारण वायु तीव्र गति के साथ ऊपर उठती है और संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है। इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस डायग्राम में सौरमंडल की ऊपरी सीमा को दिखाया गया है। ब्लू कलर से पृथ्वी को दिखाया गया है। पृथ्वी के चारों तरफ ये ओजोन जो सौरमंडल है उसकी ऊपरी सीमा को दर्शाया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि रेड एरो के थ्रू दिखाया गया है कि भूमध्य रेखा पर सौरमंडल की जो मोटाई है वो अधिक है, जबकि ध्रुवों पर इसकी मोटाई कम है। अन्य जो सौरमंडल की जो अन्य विशेषता है वो ये है कि वायुमंडल की कुल वायु भार का 75% भाग सौरमंडल में ही पाया जाता है, यहीं पर केंद्रित है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती जाती है। प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर धरातल से जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, हर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचने पर तापमान में 6.5 डिग्री तापमान की कमी आती जाती है। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप ह्रास दर भी कहते हैं। सौरमंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। जितनी भी हमारी मौसमी घटनाएं हैं, जैसे बारिश होना, ओले पड़ना, आंधी तूफान आना, चक्रवात आना, ये सारी घटनाएं सौरमंडल में ही घटित होती हैं। और सौरमंडल की जो ऊपरी सीमा है वहाँ पर एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। यह ट्रोपोपॉज सौरमंडल की ऊपरी सीमा को दर्शाता है। अगली जो परत है सौरमंडल के ऊपर उसे हम कहते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। इस परत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी जो मोटाई है वो धरातल से, इसका जो विस्तार है वो धरातल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। इस परत में यह परत ध्रुवों पर अधिक मोटी और भूमध्य रेखा पर पतली है। इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पृथ्वी के चारों तरफ ब्लू कलर की जो रेखा है वो समताप सौरमंडल की ऊपरी सीमा को दर्शा रही है, जबकि रेड कलर से जो दिखाया गया है वो समताप मंडल की सीमा को दिखा रही है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ब्लू कलर की जो सर्कल है और रेड कलर का जो सर्कल है उनके बीच का जो गैप है वो ध्रुवों पर अधिक है, जबकि भूमध्य रेखा पर कम है। इसी प्रकार जब हम इसकी मोटाई की बात करते हैं तो समताप मंडल की जो मोटाई है वो ध्रुवों पर अधिक और समताप भूमध्य रेखा पर कम पाई जाती है। जैसा कि आप ब्लू कलर के जो एरो है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि धरातल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब चूँकि सौरमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर अधिक है तो इसी वजह से समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम हो जाती है। तापमान में ऊंचाई के साथ गिरावट आना बंद हो जाता है और विभिन्न ऊंचाइयों पर अर्थात समताप मंडल की जो निचली परतें हैं, निचला भाग है, वहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आती है, ना ही उसमें बढ़ोतरी होती है। तापमान विभिन्न ऊंचाइयों पर एक समान रहता है, इसी वजह से इसको हम इस मंडल को समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इस परत में इस भाग में समताप जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लंबवत होती हैं। इस परत में जलवाष्प, धूलकण, मेघों का अभाव पाया जाता है, लेकिन कभी कभी प्रबल संवहनीय धाराओं के द्वारा इस मंडल में जलवाष्प आने से मेघ बनते हैं, जिसको हम मुक्ताब मेघ के नाम से या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ओजोन मंडल, अगली जो परत है वो है ओजोन नोस्फेयर या ओजोन मंडल। इसकी सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह मंडल धरातल से 30 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल को मेसोस्फेयर या फिर कैमोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस परत की जो मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार है कि इस परत में ओजोन गैस अर्थात O3 की अधिकता पाई जाती है। O3 का निर्माण किस प्रकार होता है? जो ऑक्सीजन के दो अणु हैं वो तीव्र
सौर विकिरण के कारण दो भागों में टूट जाते हैं और ऑक्सीजन के तीन अणु मिलकर ओजोन गैस का एक अणु बनाते हैं। इस प्रकार इस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को का अधिकांश भाग सोख लेती है, इसी वजह से इस परत का तापमान सदैव ऊंचा रहता है। परावैगनी किरणों को रोककर यह परत पृथ्वी को भीषण गर्मी, त्वचा रोग व अन्य कुप्रभावों से बचाती है। इस परत में तापमान ऊंचाई में वृद्धि के साथ 5 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता जाता है, लेकिन ये अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। इस परत की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज के नाम से जाना जाता है। अगली जो परत है वो है आयनमंडल या आयनोस्फीयर। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। यह परत धरातल से 60 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है, लेकिन इसकी ऊपरी सीमा का पर अभी भी मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक इसे 500 किलोमीटर तथा कुछ वैज्ञानिक इसका विस्तार 1000 किलोमीटर तक मानते हैं। इस परत में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान गिरता है। वहां पर जाकर उस ऊंचाई पर 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहां पर तापमान -38 डिग्री तक गिरने के बाद ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दोबारा से तापमान बढ़ने लगता है। 60 किलोमीटर पर वायु दाब घटकर 0.35 मिलीबार रह जाता है, अर्थात वायु दाब घटकर बहुत कम हो जाता है और वायु बहुत अधिक विरल हो जाती है, बहुत अधिक उसके अणु एक दूसरे से दूर विचरण करते हैं। इस परत में परावैगनी फोटॉन्स और उच्च वेगीय कणों के द्वारा यहाँ गैसों का आयनन हो जाता है, इसी कारण यह मंडल कई आयनीकृत परतों में विभक्त है या फिर बटा हुआ है। ये परतें कौन कौन सी हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि आयन मंडल में कौन कौन सी विभिन्न परतें पाई जाती हैं, उनकी ऊंचाई क्या है, और तीसरे कॉलम में इन परतों की विशेषताओं को दर्शाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। डी परत जो कि 60 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन इसकी मुख्य विशेषता है। मध्यम और लघु तरंगों को ये परत सोख लेती है। दिन के समय ये पाई जाती है और रात्रि या सूर्यास्त के बाद ये परत विलीन हो जाती है या समाप्त हो जाती है। इसके बाद आती है ई परत। ई परत की जो ऊंचाई है वो 90 से 130 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। ये परत मध्य और लघु तरंगों को का धरातल की ओर परावर्तन करती है, रिफ्लेक्ट करती है और रात्रि के समय विलीन हो जाती है। इसके बाद आता है विशिष्ट या स्पेशल ई लेयर जिसकी ऊंचाई धरातल से 110 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। कभी कभी जहाँ तहाँ यह उत्पन्न होती है, अर्थात ये परत हमेशा उपस्थित नहीं होती, इसकी उत्पत्ति कभी कभी और कहीं कहीं होती है। उल्लकाओं के प्रवेश के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त इसके बाद आती है ई टू लेयर। यह लेयर 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑक्सीजन के परमाणुओं पर फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण इस परत की उत्पत्ति होती है और यह परत केवल दिन के समय पाई जाती है, जबकि रात्रि के समय यह परत विलीन हो जाती है या समाप्त हो जाती है। इससे ऊपर 150 से 380 किलोमीटर के बीच में F1 लेयर पाई जाती है। यह F1 लेयर मध्य और लघु तरंगों का धरातल की ओर परावर्तन करती है और केवल दिन के समय पाई जाती है, रात्रि के समय यह परत भी विलीन हो जाती है। इसके ऊपर F2 लेयर पाई जाती है जिसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 किलोमीटर के बीच में होती है। बहुत अधिक दूरी के लिए संदेश भेजने की दृष्टि से इस परत का विशेष महत्व है, अर्थात कम्युनिकेशन के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है।
F1 और F2 लेयर दोनों को सम्मिलित रूप से अप्लेटन स्तर या अप्लेटन लेयर भी कहते हैं। इसके बाद आती है जी लेयर। जी लेयर की उपस्थिति 400 किलोमीटर के आसपास होती है और नाइट्रोजन के परमाणुओं पर फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण इस परत की उत्पत्ति होती है। इसके बाद एग्जोस्फेयर या बाहिर्मंडल। बाहिर्मंडल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसका विशेष अध्ययन लिमन स्पिट्जर महोदय ने किया है। 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित मानी जाती है ये परत, और ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इस परत में हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता होती है जो काफ़ी हल्की होती हैं। नवीन परिकल्पना के अनुसार वायुमंडल की जो संरचना है उसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। पूरे संपूर्ण वायुमंडल को दो भागों में बांटा गया है स्थूल वर्गों में। पहला भाग है सममंडल और दूसरा भाग है विषममंडल। सममंडल की जो विशेषता है वो ये है कि इसकी जो परतें हैं धरातल से, इसकी जो स्थिति है वो धरातल से 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार है इसका, और इसमें जो परतें हैं उसको तीन भागों में विभक्त किया गया है। नंबर एक शोभमंडल, समताप मंडल और मेसोस्फीयर। इसके अतिरिक्त जो दूसरा भाग है विषम मंडल, जिसको हम हेट्रोस्फीयर भी कहते हैं, उसकी स्थिति धरातल से 88 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। 88 किलोमीटर से ऊपर अंतरिक्ष में जहाँ तक वायुमंडल पाया जाता है ये परत पाई जाती है। इसमें कुछ उपस्तर भी परिभाषित किए गए हैं। रासायनिक तत्वों की प्रधानता के आधार पर उन परतों को या उन लेयरों को आइडेंटिफाई किया गया है। 88 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन स्तर पाया जाता है। 200 किलोमीटर से 1120 किलोमीटर तक ऑक्सीजन स्तर पाया जाता है। 1120 से 3520 किलोमीटर की ऊंचाई तक हीलियम स्तर की स्थिति मानी जाती है, और उसके आगे हाइड्रोजन स्तर की स्थिति मानी जाती है। जो हेट्रोस्फीयर है या विषम मंडल है उसकी सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस मंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक और भौतिक गुणों में विषमता होती है, अर्थात हर एक लेयर का अपने भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। इस परत को थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इस परत में गैसें विरल होती हैं, उसके अणु एक दूसरे से बहुत दूर विचरण करते हैं। इस परत में फोटो रासायनिक प्रभावों की प्रधानता पाई जाती है। ये कुछ सामान्य विशेषताएं थीं जो हेट्रोस्फीयर से संबंध रखती हैं या विषम मंडल से संबंध रखती हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि वायुमंडल की जो संरचना है उसकी बनावट कैसी है, वायुमंडल का क्या अर्थ है, उसके सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, उस वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, इन परतों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या हैं, इनको हमने आज विस्तार से समझने का प्रयास किया, और साथ ही ये भी जानने का प्रयास किया कि जो प्राचीन परिकल्पना है वायुमंडल की संरचना से लेके उसमें, और न्यूटन जो परिकल्पना है उसमें क्या डिफरेंस है, उसको भी हमने समझने का प्रयास किया।